हेलो दोस्तों, तो आप सब लोग कैसे हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 6 ऐसे ऑफलाइन मल्टीप्लेयर्स गेम जिन्हें आपको जरूर से ट्राई करना चाहिए। तो बिना समय गवाए चले शुरू करते हैं। हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज गजुबाई एंड यू आर वाचिंग गजुबाई। बिना समय गवाए चले शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे 6 मल्टीप्लेयर गेम्स में नंबर 6 पर आता है बैडलैंड। हाँ दोस्तों, बैडलैंड एक ऐसा गेम है जो कि एंड्रॉयड एंड एप्पल यूजर्स के लिए अवेलेबल है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में है। तो मतलब ये गेम एक ऑफलाइन मल्टीप्लेयर गेम है और इसमें आपको करना क्या है कि आपको मतलब आपको एक कैरेक्टर दिया जाएगा और उसमें आप उस गेम में बहुत सारे अड़चने आएगी, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, उनको पार कर आपको इस गेम में एंड तक जीवित रहना है, एंड तक आपको लाइव रहना है। अगर आप एंड तक लाइव रहते हो तो आप ही इस गेम के विनर कहलाओगे। और ये गेम मैं खुद पर्सनली खेल रहा हूँ और आपको भी रेकमेंड करता हूँ कि इस गेम को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि गेम बहुत ही बढ़िया है। नंबर 5 पर आता है कि आपको शतरंज खेलना पसंद है, मगर हर टाइम आपका दोस्त आपके साथ तो नहीं रहता शतरंज खेलने के लिए। तो मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा मल्टीप्लेयर गेम जो कि आप किसी भी समय अपने और दोस्तों के साथ शतरंज खेल सकते हैं, जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड्रॉयड यूजर्स के लिए। एप्पल यूजर्स वाले आपको पैसे भरने पड़ेंगे। तो दोस्तों, इस गेम का नाम है चेस बाई ऑनलाइन फैक्टर, जो कि एंड्रॉयड के लिए फ्री है और प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। इसमें कि आपको वन साइड मतलब आपको एक प्लेयर चूज करना है और ऑपोजिट में गेम जो कि उस गेम का सॉफ्टवेयर होगा वो आपके साथ कम्पीट करेगा। मतलब एक कंप्यूटर, आप एक कंप्यूटर के साथ खेलने वाले हो, जो कि एक बहुत बड़ी रिस्क है, क्योंकि इस गेम में ज़्यादातर हम लोग जीत ही नहीं पाते, क्योंकि उस कंप्यूटर में इतना दिमाग होता है कि कैसे भी करके आपको चेक मेट दे देता है। तो दोस्तों, आपको इस गेम को ज़रूर से ट्राई करना चाहिए और यार आउट कर दो उस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को। नंबर 4 पर आता है बॉम्ब स्क्वाड। हाँ दोस्तों, बॉम्ब स्क्वाड एक ऐसा मल्टीप्लेयर गेम है जिसको खेलने में बहुत मज़ा आता है। उसमें मतलब क्या करना पड़ता है कि 2 प्लेसेस होते हैं, मतलब ए एंड बी। आपको एक प्लेस को चूज कर लेना है और आपको एक कैरेक्टर और आपके लिए वेपन दिया जाएगा, और वैसे ही मतलब प्लेस बी पर कोई और आएगा जो अननोन पर्सन भी हो सकता है, या आप अपने दोस्तों को भी इन्वाइट कर सकते हो खेलने के लिए ऑफलाइन। तो इसमें आपको करना क्या है कि आप दोनों के पास मतलब आपके पास और आपके अपोनेंट के पास वेपन्स दिए जाएंगे, उस वेपन को यूज़ कर आपको दूसरे के प्लेस पर बम्स फेंकने। बम्स फेंककर जो सबसे पहले दूसरे के प्लेस को तबाह करेगा वो होगा इस गेम का विनर। तो ये गेम भी बहुत बढ़िया है और इस गेम की अच्छी खास बात ये है कि इसका ग्राफिक्स, गेम का ग्राफिक्स लाजवाब है दोस्तों। आपको ज़रूर से इस गेम को ट्राई करना चाहिए। फिर से बोल दूँ, एंड्रॉयड यूजर्स के लिए गेम बिल्कुल फ्री है, एप्पल वाले पैसे भरो यार। और नंबर 3 पर आता है पॉकेट चेकआउट। तो दोस्तों, इस पॉकेट चेकआउट एक ऐसा गेम है जो कि यार एंड्रॉयड और एप्पल यूजर्स के दोनों के लिए पेड वर्जन होगा, और उसके अलावा ये ऑफलाइन भी है। मतलब जितने भी गेम अभी मैं इस वीडियो में बताया वो सब ऑफलाइन है। तो इस गेम में आपको करना क्या है कि आपको एक जेल में डाल दिया जाएगा, और उस जेल में से आपको कैसे भी कर बाहर निकलना है। अगर आप बाहर निकल जाते हो सक्सेसफुली तो आप इस गेम के विनर कहलाते हो। तो ये गेम बहुत अच्छा है, मगर यार थोड़े पैसे लगेंगे पेड वर्जन। नंबर 2 पर आता है क्रॉसी रोड। हाँ दोस्तों, क्रॉसी रोड एक ऐसा गेम है जिसका ग्राफिक तो लाजवाब है, और इसमें आपको करना क्या है कि आपको एक कैरेक्टर चूज कर लेना है और यार 2 हाईवे होगी, मतलब 2 हाईवे पे भी बहुत ट्रैफिक रहेगी, गाड़ियाँ आती रहेगी। तो उसमें आपको करना क्या है कि आपको कैरेक्टर, आपके कैरेक्टर को उस रोड को क्रॉस कराना है विथ आपको कॉइन्स भी कलेक्ट करने हैं। मतलब रोड के बीच में कॉइन्स भी होंगे, उन कॉइन्स को भी कलेक्ट करना है और उस रोड को भी क्रॉस करना है। मतलब इसमें डिफिकल्टी क्या है कि जब आप कॉइन्स कलेक्ट करने जाते हो तब अचानक से गाड़ियाँ आ जाती है, तो आपको बिना एक्सीडेंट के कॉइन्स को भी कलेक्ट करना है और पार भी करना है, और पार करने के बाद जो ओपोनेंट प्लेयर होगा वो आपको फिर से धक्का देगा वापस से उसी रोड पर। तो आपको ऐसे फाइट करके ऐसे इस गेम को जीतना है। तो दोस्तों, ये भी एक अच्छा गेम है और बता देता हूँ एंड्रॉयड एंड एप्पल यूजर्स दोनों के लिए गेम अवेलेबल है और दोनों के लिए फ्री है। तो हमारे गेम लिस्ट में नंबर 1 पर आता है कीप टॉकिंग एंड नोबडी एक्सप्लोड्स। दोस्तों, ये गेम तो शब्द ही नहीं है इस गेम को बताने के लिए, क्योंकि ये गेम इतना मज़ेदार है कि मैंने खुद डाउनलोड कर लिया पैसे देकर। मतलब इस गेम में क्या करना है वो मैं बता देता हूँ, फिर आप भी सोचोगे कि यार एक बार तो ज़रूर से डाउनलोड कर लेते। तो इस गेम में आपको करना क्या है कि इस गेम में आपको एक बॉम्ब दिया जाएगा, उस बॉम्ब मतलब एक्टिवेट रहता है वो बॉम्ब, उस बॉम्ब को आपको डिफ्यूज़ करना है। मगर इसमें मैंने बोला ना मल्टीप्लेयर गेम है, तो इसमें करना क्या है कि एक ओपोनेंट को आप मतलब ओपोनेंट आपकी मदद करेगा। मतलब इस गेम में ट्विस्ट क्या है
कि जो आपका मतलब ओपोनेंट होगा उसको गाइड करना है आपको कि कैसे इस बॉम्ब को डिफ्यूज़ करें, और आपको उसके बताए हुए रास्ते जो आपका ओपोनेंट बताएगा कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे डिफ्यूज़ करो, वो आपको करना है। मगर इसमें क्या प्रॉब्लम है कि आपका जो ओपोनेंट रहता है वो ना तो आपके बम को देख सकता है, और जो आप रहते हैं मतलब हम जो खेलते हैं, जो हम होते हैं, हम ना तो अपने ओपोनेंट को देख सकते। तो बिना देख के मतलब कोऑर्डिनेशन इस गेम का मेन मकसद है कि हम दो लोग कैसे एक दूसरे को समझते हैं और कैसे काम करते हैं एक साथ, वही है इस गेम का मेन मोटो। तो दोस्तों ये गेम भी बहुत बढ़िया है, और आपको डिफ्यूज़ करना है बम, अगर आपने डिफ्यूज़ कर लिया तो आप दोनों विजेता कहलाओगे। तो दोस्तों जो जो गेम्स मैंने अभी बताए वो छह भी लाजवाब है, और एक दो भैया पेड वर्सन है, और बाकी चार मैंने बताए वो एंड्रॉयड यूजर्स के लिए तो फ्री है यार, फ्री है तो डाउनलोड कर लो, वो भी ऑफलाइन है, मल्टीप्लेयर है, इससे ज़्यादा यार क्या चाहिए तुमको यार, वो भी 2020 में ट्रेंडिंग कर रहे हैं गेम्स, ये गेम्स जो जो मैंने बताया ये सब ट्रेंड पर चल रहे हैं, और यार आपके फ़ोन में गेम होना ज़रूरी है मेन। तो दोस्तों बस इतना ही था आज के वीडियो पर, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो पर, और कमेंट कीजिएगा कि अगले वीडियो पर मैं कौन सा टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, और मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, बाय बाय, थैंक यू, शुक्रिया, हम दे माधरम।